हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नोवे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है वो कितने मार्क तक जाने वाली है, अलग अलग स्टेट वाइज मार्किंग होनी है या फिर रीजन वाइज होनी है, वो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम से कम कितने नंबर अगर हो अप्रॉक्स किसी भी स्टेट से, तो कम से कम आपका कितने नंबर होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे एक चांस बनता है कि आपको रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो फिलहाल मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 99% बिल्कुल एग्जैक्ट है, क्योंकि जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी मैंने उससे हर स्टेट में +2 या +3 नंबर करके मैंने ये कट ऑफ तैयार की है, और उसी के बेस पे मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। और ये जो कट ऑफ है ये आपको सिर्फ अभी रनिंग करने के लिए है, यानी आपको फिजिकल के लिए है ये। तो फिजिकल के बाद जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसकी कट ऑफ मैं अलग बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी ये जो है ये फिजिकल के लिए है कि आपको फिजिकल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको किस स्टेट से हैं, तो अपना आप स्टेट के हिसाब से अपना कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी जो मार्किंग है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न आ रहा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो उसका यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन का। आपने देखा होगा टीसीएस कंपनी है जो इस समय हर सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, और इसका जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है आप उसको पता ही होगा कि अभी फिलहाल में ही जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें जिन बंदों का लग रहा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका नहीं हुआ, और जिनको लग रहा था उनका नहीं होने वाला तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि किस हिसाब से इसका यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो इस वीडियो में इस सारी बातों को ध्यान में रख कर मैंने एक कट ऑफ बनाई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टेट वाइज आपको जो कट ऑफ है स्टेट वाइज और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है और 99% तक एग्जैक्ट होने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में अगर आप अनरिजर्व यानी आप जनरल रहे हैं तो आपको 72 समथिंग है। तो ये जो मार्क मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब नॉर्मलाइजेशन हर शिफ्ट में अलग अलग हुआ है, कहीं 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कहीं 5 का, तो कहीं 20 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। अगर आप यहाँ पे अगर आप जर्नल से हैं और आपके यहाँ पे 58 या इसके प्लस अगर बनते हैं तो आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। डेली आपको प्रैक्टिस रनिंग आपको करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ये कट ऑफ मैंने तैयार किया, ठीक है। तो अगर बिहार से हैं तो आपका जो जनरल का है वो यहाँ पे 72, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 63, और एक्स सर्विसमैन है तो उनका 38 ये मैक्सिमम जाने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे स्टेट की बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 53, ओबीसी से है 50, एससी से हैं 42, एसटी से 43, और एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको यहाँ पे 37। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अनरिजर्व के लिए 53, ओबीसी के लिए 52, एससी के लिए 51, एसटी के लिए 51, दोनों सेम होने वाली हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे भी 37, एक्स सर्विसमैन की भी 37 होने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे जे एंड के की, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे जनरल की है 48, ओबीसी 46, एससी 40, एसटी जो है वो 38, और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 37। तो ये अप्रॉक्स है, इतनी जाने वाली, इससे कहीं ज़्यादा जाने वाली नहीं है। हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 43 नंबर होने वाली, क्योंकि यहाँ पिछले साल की जो कटा हो गई थी अनरिजर्व की वो यहाँ पे 41 नंबर थी। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 नंबर और ऐड कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा है तो बच्चा और कम है उससे। और उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे मणिपुर में ओबीसी की तो 39, एससी की 35, एसटी की 37, अनरिजर्व सॉरी एक्स सर्विसमैन की तो ये 37। नागालैंड की बात कर लेते हैं यहाँ, तो अनरिजर्व की 45 और ओबीसी एससी के यहाँ पे कोई डॉक्टर अभी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। और यहाँ पे एसटी का जो है वो 37 अप्रॉक्स जाने वाला, 37-35 ऐसे ही, और जो एक सर्विस मैन है 37-35 समथिंग ऐसे ही जाने वाला। और पंजाब की सबसे बात कर लें तो पंजाब हो गया, तो यहाँ पे 50 या 51 नंबर +1 और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप पंजाब में, तो 50
पॉइंट समथिंग में, और अब अगर ओबीसी से हैं तो 47, एससी से हैं 45, और एक्स सर्विस मैन है तो 37। राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेड जोन माना जाता है जैसे, तो हो जाता है राजस्थान, यहाँ पे अनरिजर्व से यानी कि जनरल से 75, ओबीसी से 73, एससी से 67, एसटी से 67, और एक्स सर्विस मैन से 38। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चार स्टेट हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार, तो इन्हीं चार स्टेट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा होती है। तो राजस्थान, क्योंकि आप देख रहे हैं त्रिपुरा की, त्रिपुरा की आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 जनरल, 48 ओबीसी, एसटी और एससी के यहाँ पे 45 और 38, और 38 एक्स सर्विस मैन। अब बात करते हैं यूपी की, जो सबसे मोस्ट है, तो यहाँ पे अनरिजर्व की है 75, ओबीसी की है 73, एससी के लिए है 67 और एसटी के लिए है 64, एक्स सर्विस मैन की यहाँ पे 37 समथिंग जाने वाले। तो ये सबसे रेड जोन में एक यूपी हो गया, और दूसरा हो जाता है राजस्थान, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरिट यानी कट ऑफ जाती है, और इससे एक नंबर भी ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई उम्मीद नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो मैं कट ऑफ है वो आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्किंग की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। अब बात कर लें उत्तराखंड के, तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो अनरिजर्व यानी जनरल की 60, ओबीसी 58, एससी 53, एसटी 54, एक्स सर्विस मैन 37। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल की 53, ओबीसी 50, एससी 45, एसटी 46 और एक्स सर्विस मैन की 38, ये कट ऑफ होने वाली है। इस मैंने आपको जितनी भी कट ऑफ बता दी यहाँ से, इससे अगर आपको डिफरेंट मिलता है तो पॉइंट में आपको बेशक डिफरेंट मिल सकता है, बट प्लस वन मार्किंग में आपको कोई डिफरेंट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कट ऑफ बनाई है बहुत ही सोच समझ के, हर एक चीज़ को ध्यान में रख के बनाई है, और आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है ये आपको सिर्फ रनिंग के लिए है। आप इतनी मार्किंग अगर आके बनती है समथिंग नॉर्मलाइजेशन, अगर आप इससे जितना आपको मैंने यहाँ पे बताया कैटेगरी आपका जिस स्टेट से है, अगर उससे आपका 5 या 10 नंबर कम भी बनता है तो आपको रनिंग स्टार्ट करनी है। आपको रनिंग नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पे जो कम से कम 4 गुना यहाँ पे बच्चा पास किया जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि वही यूपी पुलिस का जो 41,520 थी, उसमें से करीब आधा बच्चा वहाँ पे निकल गया, तो ज़्यादा उसके जो 23,000 बच्चा निकला है उसमें से कम नहीं तो 15,000 बच्चा ऐसा रहा होगा जो इस पे भी सिलेक्टेड होगा और उस पे होगा, लेकिन वो ज्वाइनिंग सिर्फ एक ही करेगा। तो उसमें अभी बहुत सारा बच्चा निकलने वाला है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर चांस मिल सकता है। तो आप उम्मीद मत छोड़िएगा, आप रनिंग करते रहिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सबको बात पहुँचा दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।